मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने किसानों की कर्ज माफी का वायदा किया था, जिसे पूरा किया गया है। अकेले रायबरेली के 81,700 किसानों का कर्ज माफ हुआ है। 3,60,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार बनते ही कर्ज माफी, महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एंटी रोमियो स्क्वाड व अवैध बूचड़खाना को बंद करने जैसा साहसिक कदम उठाया गया। समाजवादी पार्टी ने सरकार बनने के बाद पहला काम अयोध्या के राम जन्मभूमि पर हमला करने वालों, काशी के संकट मोचन मंदिर में हमला करने वालों, वाराणसी के न्यायालय पर हमला करने वालों, रामपुर के सीआरपीएफ कैंप पर हमला करने वालों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का काम किया था। वहीं भाजपा सरकार बनते ही दंगाइयों व आतंकवादियों पर शिकंजा कसने का काम किया गया है। 3 दिन पहले गुजरात सरकार ने सीरियल ब्लास्ट मामले में पकड़े गए 77 आतंकियों में से 30 आतंकवादियों को फांसी की सजा सुनाई है। 8 आतंकवादियों का संबंध उत्तर प्रदेश से ही है, जिनके अब्बा जान रामपुर में समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्र की कीमत पर राजनीति नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि मोदी वैक्सीन व बीजेपी वैक्सीन ने लोगों की जान बचाई। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, हमारे धीरेन्द्र बहादुर सिंह है भाजपा के प्रत्याशी, उन्हीं को साथ खड़ी रही है। और मैं भी आप सबको इतना विश्वास दिला रहा हूं कि जब तक धरती पर रहूंगा, चाहे दिन हो चाहे रात हो, सरेनी की जनता की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। सरेनी की जनता के चरणों में शीश झुका करके मैं आपका अभिनंदन करता चाहता हूं। कितनी बड़ी मात्रा में एक आवाहन पे आप पैसवाड़ा इंटर कॉलेज के ग्राउंड में पढ़ा रहे हैं, हमको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए हैं। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी के कदम पैसवाड़ा की धरती पर पड़ रहे हैं, तो उस आधार पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो काम अब बचे हैं वो दोनों रफ्तार से होंगे और सरेनी विकास के नंबर एक पायदान पे पहुंच जाएगी। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन आप लोग सब सुनेंगे। आज हमको बताइए, ये मोदी वैक्सीन और ये बीजेपी वैक्सीन ने जान बचाई है तो वोट भी मोदी जी को और वोट भी बीजेपी को जाएगा, बोलेंगे। और यही कहने के लिए भाइयों बहनों में आया हूं, डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन का भी मिल ही रहा होगा। राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 17 के पहले राशन मिलता था, 17 के बाद मिलना प्रारंभ हुआ ना, और कोरोना काल खंड में तो फ्री में। भाइयों बहनों, पहले ये बिजली का पैसा, राशन का पैसा, दवा का पैसा, वैक्सीन का पैसा, या फिर जो विकास के कार्य हो रहे हैं, कहीं एम्स बन रहा है, कहीं मेडिकल कॉलेज बन रहा है, कहीं आईटीआई, कहीं पॉलिटेक्निक, कहीं डिग्री कॉलेज, कहीं गरीबों के लिए आवास, अकेले रायबरेली में 50,000 गरीबों को एक एक मकान मिला। रायबरेली करीब वीवीआईपी सीट मानी जाती थी। पूछने की आवश्यकता है दिल्ली वाले भाई बहन से कि आजादी के बाद क्या कर रहे थे, आगे गरीबों को मकान नहीं दे पाए थे। जब डबल इंजन की सरकार आई तो 50,000 गरीबों को एक एक आवास मिल पाया। यहां पर 2,34,800 से भी गरीबों को
तब शौचालय मिल पाया और आज तो हम लोग यहाँ के युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन भी देने जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन। भाइयों बहनों, एक टैबलेट और स्मार्टफोन हमारे युवाओं को स्मार्ट बनाएगा। कोरोना हो या कोई बीमारी, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन के लिए भी वही स्मार्टफोन और टैबलेट आपकी मदद करेगा। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत किया है और चुनाव आयोग से शिकायत करने के बाद समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से इस बारे में कहा है कि एक टैबलेट और स्मार्टफोन युवकों को नहीं वितरित होना चाहिए। हमने भी तय किया है, अभी तो 1 करोड़ नौजवानों को दे रहे हैं, 10 मार्च के बाद 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट स्मार्टफोन मिलेगा। हर प्रकार के समाज विरोधी राष्ट्रद्रोही तत्वों को मुंहतोड़ जवाब दें। आप किसी के लिए मैं आपके पास सवेरी में आया हूं। आपने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में योगदान दिया, श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह को भारी बहुमत से विजय करा करके विधायक बना के भेजा था। और भाइयों बहनों, सरकार बनी और सरकार बनने के बाद आपने देखा होगा, सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार बनी, सरकार बनने के बाद सरकार के निर्णय भी उसी प्रकार से होते रहे। याद करिए, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए गए और इसलिए भाइयों बहनों, सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए, प्रदेश के स्वावलंबन के लिए, उत्तर प्रदेश को देश का नंबर एक का राज्य बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए रायबरेली जनपद की सभी 6 सीटों पर सरेनी से धीरेन्द्र बहादुर सिंह, ऊंचाहार से अमरपाल मौर्य, सलोन से अशोक कोरी, रायबरेली सदर से श्रीमती अदिति सिंह, हरचंदपुर से श्री राकेश प्रताप सिंह, बचरावा से श्री लक्ष्मीकांत रावत जो अपना दल के प्रत्याशी हैं, इन सब का विजयी होना आवश्यक है। आप सभी सहमत हैं? सभी लोग सड़क के उस पार और इस पार सभी लोग सहमत हैं? भाइयों बहनों, चुनाव भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी तब जीतेगा जब चुनाव के दिन पहले मतदान और फिर जनपान। क्या इस संकल्प के साथ जुड़ेंगे? सभी लोग तैयार हैं? मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, छतों के ऊपर जो लोग हैं, बाउंड्री वॉल के उस पार, सड़क के उस पार, जो भी जा रहे हैं, दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुबह से भूखे और प्यासे रहे।
अफ्रीका में।